कैलाशवासी माधवराव सिंधिया का जन्मदिन आज 10 मार्च 2022 को मनाया जा रहा है। शिवपुरी शहर में आज माधव महाराज सिंधिया समारोह समिति के द्वारा जयंती सादगी और गरिमामयी रूप से मनाई जा रही है। समिति के द्वारा आज स्थानीय चिंताहरण मंदिर के सामने 2 बत्ती चौराहे पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया की सौम्य प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कैलाशवासी श्रीमत माधवराव सिंधिया की जयंती पर आज 2 बत्ती चौराहे पर स्थित तिकोनिया पार्क में वृक्षारोपण का कार्य समिति के सदस्य सहित भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। इस अवसर पर आज तिकोनिया पार्क में 77 पौधे लगाए गए। आयोजित कार्यक्रम में समिति के सदस्यों के साथ भाजपा के पदाधिकारियों सहित शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह सहित SP राजेश सिंह चंदेल उपस्थित रहे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सदैव इस परिवार में हमेशा इसी तरह बसता रहे, क्योंकि महाराज साहब जन जन के नेता थे, जन जन के मुखिया थे और जन जन के लाडले थे। और महाराज साहब कभी नेता के रूप में शिवपुरी नहीं आए थे, वो केवल परिवार के मुखिया के रूप में आते थे। और परिवार के मुखिया की तरह वो सदैव सभी लोगों से प्यार करते थे, चाहे वो गरीब होता, मजदूर होता, व्यापारी होता, किसान होता, सबको लाड़ और प्यार से महाराज साहब सदैव करते थे। जयंती है, इस मौके पे क्या किया जा रहा है, कार्यक्रम? देखिए, कैलाशवासी महाराज वो महाराजा थे, वास्तव में दिलों में लोगों के पास करते थे, वास्तव में गरीबों के मसीहा थे। ये अंचल उनको कभी भूल नहीं सकता। आज उनके साथ जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने यहाँ कैलाशवासी महाराज की प्रतिमा पर सब लोगों ने उपस्थित होकर उनको अर्पित कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और उनके आज याद में उनका 77वां जन्मदिन है, पूरी टीम, पूरे लोग जो उनका श्रद्धा रखते हैं शहर के, आज यहाँ सामने पार्क में 77 पेड़ लगा है। शाम को 4 बजे यहाँ से सब लोग 77 गाड़ियों से ग्वालियर प्रस्थान करेंगे। ग्वालियर में आज कैलाशवासी महाराज साहब की छतरी पर भजन संध्या का कार्यक्रम। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वास्तव में कैलाशवासी महाराज वो व्यक्ति थे जो पूरे भारत में शिवपुरी को अगर पहचान दिलाई थी तो कैलाशवासी महाराज के नाम पर। जब कोई रेलवे स्टेशन पर जाता था तो कहता था, कहाँ के हो आप? हम कहते थे शिवपुरी, कोई नहीं जानता था। जब लोग कहते थे हम बहुत क्षेत्र रहने वाले हैं, जहाँ के सांसद कैलाशवासी महाराज हैं, तो वो व्यक्ति हमारा सम्मान करता था और हमारा सीना कर्ज से खुल जाता था। कैलाशवासी महाराज, आप हमारे प्रेस के साथ ही आप जानते हो, 4 रेल लाइनों हमारे माखनलाल राठौर जी आए हैं, ये उस बात के साक्षी रहे हैं। जब जनता दल की सरकार आई थी, बड़े बड़े मंत्रियों ने जो कह दिया था गुना टावर रेल लाइन असंभव है, नहीं हो पाएगी, नागर साहब ने और राठौर साहब ने मुझे संसद में सुनाए थे, लेकिन कैलाशवासी महाराज ने कहा असंभव तो मेरी डायरी में ही नहीं है, असंभव को संभव करके दिखाया और गुना रेल टावर लाइन थी। आगे की बात हमारे राठौर साहब बताएंगे, उनके साथ रह के उन्होंने राजनीति की है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।